Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sun Science Senior Secondary School, Jakhania. Class 12 students, you know, आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट हो गया है. डिफरेंशिएशन में हम लोग कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं. मैंने कल प्रीवियस टॉपिक्स में आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब किया. सो आई थिंक आप अपने वर्क को रेगुलर डन करें जिससे आप कंपोजिट फंक्शन के प्रोसेस को समझ जाएंगे. तो हम थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं. सो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं. ये बोर्ड ऑफ की क्वेश्चन है. क्वेश्चन है 2009 का क्वेश्चन है. ऐसी 2000 y equal to x plus under root x square plus a square. Whole power n, then prove that dy by dx equal to ny divided by under root x square plus. तो स्टूडेंट जैसे कि देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में y इक्वल टू है x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर. और हमें ये प्रूव करना है ड्रिल मशीन उसका इस पे क्या करें करा अभी. हेलो शर्मा जी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट किया है. अब यहाँ पे जब इसकी तो पावर एन लगा हुआ, तो यहाँ से अगर हम सपोज करते हैं टी इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू टी पावर एन हो जाएगी. ये हमारा क्लियर हो गया. अगले फंक्शन हो गया वाई का फंक्शन ऑफ टी. अब यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है. अब देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो इसको वन कर लीजिए इसको टू कर लीजिए. तो डी वाई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ टी पावर एन एन टी पावर एन माइनस वन एन इंटू टी की वैल्यू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर एन. ये डी वाई डी टी क्लियर हो गया. हमें तो डी वाई डी एक्स निकालना है ना कि डी वाई डी टी निकालना है. अब हम आते हैं टी पे. नाउ टी इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इस पर अगर हम डी बाई डी एक्स ऑपरेट करते हैं तो डी टी ऑफ आर डी एक्स यहाँ पे लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर वन बाई. ठीक ही वैल्यू ये वैल्यू होगी वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर ऐड कर दें और डी यू वेयर हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर वन बाई टू.
देखिए हमारा डीडीएफ और डीएक्स यहाँ पे रुका हुआ है, कभी कोई प्रश्न देते हैं डबल स्टॉप। और जब तक हम डी एफ आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुटअप करेंगे तो डी एफ आर क्लियर नहीं होगा। और यू हमारा ये है, तो यू में भी एक प्रॉब्लम है, ये देखिए ये फंक्शन की प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हम चाहें तो इसको बहुत जल्द ही क्लियर कर सकते हैं कुछ समय के बाद, अभी आपको आपको डिस्क्राइब करना है कंप्लीट फंक्शन, इस पर इस क्वेश्चन को नाम मानेगा। तो अगर हम यू की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्लेस पे पी लेते हैं, लेटिन है, तो ये इम्प्लाइज करेगा दिस देयरफॉर यू की वैल्यू पी पावर वन बाई टू। अब देख रहे हैं यू पी का फंक्शन, पी एक्स का फंक्शन, अब ये दोनों आर्डिनरी फंक्शन होगा, तो दोनों फंक्शन जिसके हैं पी को एक्स के रेस्पेक्ट में यू को पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर यू पी का फंक्शन है तो डी बाई डी पी ऑफ यू, डी बाई डी पी ऑफ पी पावर वन बाई टू, वन बाई टू पी पावर माइनस वन बाई टू, वन बाई टू अंडर रूट पी, तो वन बाई टू अंडर रूट पी मींस व्हाट, पी मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्लियर हुआ किसकी वैल्यू आई, डी यू अपॉन डी पी। अगेन p इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो p को एक्स स्क्वायर कर दो, डी पी एफ आर डी एक्स ये हो गया टू एक्स टू एक्स। अब देखिए देर को हम ये वैल्यू ले सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी पी और डी पी अपॉन डी एक्स। वैल्यू देखिए डी यू अपॉन डी पी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू क्या आई है ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू मिली डी यू अपॉन डी एक्स की वो है एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम डबल स्क्वायर, फ्रॉम डबल स्क्वायर। यहां पे अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी पी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आई है डी पी अपॉन डी एक्स की। इसको भी कोई नंबर देते हैं, आप देखिएगा स्टूडेंट्स एक इक्वेशन हम लिखे होंगे वो उसको लीजिएगा। मिट गया है वो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी वाई अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आपने क्या दी गई थी रेस कर दिए हैं ये वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू नहीं है डी टी अपॉन डी एक्स की, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एन माइनस वन पावर ये वन पावर दोनों सेम मल्टीप्लिकेशन ये हो गया एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये एन इंटू ये वैल्यू क्या है प्रश्न में दिया गया तो एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डी ओवर डी एक्स इक्वल टू टू। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन रूल यही है कि अपने फंक्शंस को हम ऑर्डिनरी फंक्शन में कन्वर्ट करें, फंक्शंस कंपोजिट होगा तो वहां से लेटरिंग करके फंक्शन को ऑर्डिनरी फंक्शन में करते जाएंगे, उस हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट हुआ करते। इसको देखिए थोड़ा सा डायरेक्टली भी आपको बताते हैं,
अगर आप उसको समझ जाए तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू गिवन था x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और डी वाई बाई डी निकालना, यहां पे डी वाई डी ऑपरेट कर लीजिए, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और। तो सबसे पहले पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल से क्या होता है, जैसा कि जानते हैं d by dx x पावर में हम पावर पीछे करते हैं और इसके पावर कम करते हैं, तो हम पावर पीछे कर ले रहे हैं और x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर एक कम करते हैं। टेंपी ये कंपोजिट है, रुकेंगे नहीं, अभी तो हमने इसका पावर रूल सीखा, अब इस पे अगेन ऑपरेट करेंगे। तो इनटू d by dx ऑफ x प्लस अंडर x स्क्वायर प्लस इसको लगा के छोड़ दें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आइए, एम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म एम एक्स, अब इसको ऑपरेट करने का मतलब क्या, दो फॉर्म मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मिल जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू के जाए, दोनों पे गए। अब जो हो गया एम एक्स प्लस अंडर रूट फोर पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू वन होगी। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर पावर लगा, तो पावर रूल सही होगा। पावर रूल क्या कहता है कि पावर पीछे कर लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू में से माइनस कर दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी माइनस हाफ पावर। अब उसको हम नीचे राइट करें तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और पावर प्लस होने पे वन बाई टू जिसको हम लिख सकते हैं ये राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है कि अगर हम डी बाई डी एक्स आप इस पर करते हैं तो ये जो है वन बाई टू पावर पीछे किए हैं और ये फिर आपका आ रहा है वन बाई टू डायरेक्टली हमने आपने राइट कर दिए हैं। ये हुआ कि अभी तो यस हो, तो अभी इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगला स्टेप ना कैसे छोड़ दीजिए। This is equal to, this is like dy by dx is equal to m x plus x square plus a square of n minus a into ये लिख रहे हैं 1 plus 1 by 2 under x square plus a square, और dy by dx यहाँ करेंगे, देखिए x square का 2x equal to 0, only 2x आएगा इनटू टू से टू ये कैंसिल हो गया, ये मिला एन है ये एन एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स बाई दिस। इसको सॉल्व कर लीजिए, एन एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे फिर ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वन पावर है, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन हो जाएगा, एन माइनस वन और टोटल वाई दिस हो जाएगा। अब ये वैल्यू वाई की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एन वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें आपको नेटिंग नहीं करनी पड़ जा रही है। तो ये आफ्टर प्रैक्टिस जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख जाते हैं प्रोसेस के थ्रू लर्निंग करके, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप इच्छा
फ्रेंड्स एक और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक y इक्वल टू साइन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फोर एक्स देन फाइन डी वाई बाय एक्स। देखिए ये हमें y गिवन है और डी वाला डी एक्स मिला। कोई देखिए अलग से आपको भी रिजल्ट नहीं बताया है, जितने भी रिजल्ट्स क्लास 11th लेवल पे आप जानते थे उसके हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करें, सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, रिजल्ट्स आपके बढ़ रही जाएंगे। सो y इक्वल टू सॉल्यूशंस साइन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस, उस पर हम जनरली डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट ए बॉक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड ऑपरेट करेंगे, डिवाइडेड वाई के ऊपर, डिवाइडेड लेफ्ट साइड में भी ये हो गया साइन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस। इससे मैंने उसको भी बताया, अब डी बाई डी एक्स साइन अंडर वन माइनस फोर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ऑपरेट हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस हो गया। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन लॉन्च होगा उसमें हम कोटिंग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, कोटिंग मेथड जो आपको बार बार कोटिंग करके कंपोजिट फंक्शन को आर्डिनरी फंक्शन में कन्वर्ट करके हम बता रहे हैं, वो तो आपको प्रोसेस को समझा रहे हैं, जैसे जैसे ये उसको इसी मेथड से ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो रूल है हमारा किस साइन लगा हुआ, साइन के रूल से एडजस्ट कर दीजिए, डी बाई साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो डी बाई डी सी भी कंपोजिट एक्स नहीं है, तो डी साइन का हो गया कॉस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक्स होता है तो रुक जाता है, लेकिन एक्स नहीं जिसका अगेन होगा तो उसको आप ऐसा करिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर उसको फॉर्म लगा दीजिए रूट दो लगा एक्स लगा छोड़ दीजिए इस टाइप से प्लस। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस फोर एक्स ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूल से इसको एडजस्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रूल आपको लेफ्ट साइड डिस्क्राइब किया गया है, इसी फंक्शन को इनटू में रखेंगे और डी बाई डी एक्स अदर फंक्शन पे ऑपरेट कर देंगे जैसे कॉस फोर एक्स, फिर अब हम कॉस फोर एक्स को इनटू में रखेंगे और डी बाई डी एक्स जो रिमेनिंग फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेट कर देंगे। ये रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसके ऊपर सेट किया गया है, चाहते तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लिखे नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखिए पावर से होगा तो पावर से पहले वन बाई टू पीछे इसकी पावर एक कम करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी, पावर से होगी अब डी बाई डी एक्स किसका होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर को इंटू में रखते हैं, अब चलिए कॉस के रूल से कॉस का होता है माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन फोर एक्स, अब ये तो एक्स होता तब तो रुक जाते फोर एक्स लगा डी बाई डी एक्स इंटू फोर एक्स करते रुक दीजिए इस पास, फिर आइए नेक्स्ट प्लस कॉस फोर एक्स हो गया इंटू में है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो सिंपल सा है एक्स स्क्वायर का टू एक्स कम्प्लीट हो गया। अभी जहाँ जहाँ हमारा डी बाई डी एक्स नहीं हटा है तब तक क्वेश्चन पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर अपना यूज होना चाहिए, जबकि देखिए यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए हमारा क्वेश्चन अभी और जाएगा। अब देखिए ये हुआ क्रॉस अंडर रूट वन माइनस
एक्स स्क्वायर। अब ये वन बाई टू ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, प्लस होने का मतलब उठ के राइट कर देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी यहाँ पर जब अपडेट करेंगे तो वन पे जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर पे जाएगा जीरो, कंप्लीट ये उसका खत्म हो गया जीरो माइनस टू एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, माइनस राइट कर दे रहे हैं हम एक्स स्क्वायर साइन फोर्टिस क्योंकि स्टॉप को ऐड किया है, डी बाई डी फोर एक्स का फोर इसमें आउट हो जाएगा, एक्स का होता है वन प्लस ये आपका टू एक्स क्रॉस फोर एक्स उसको सेम राइट कर दिया। अब देखिए हर जगह से हमारा डी बाई डी कैंसिल ऑपरेटर हट गया, बस इसको अरेंज कर लीजिए ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये टू से टू कैंसिल हो रहा है, अभी माइनस में आपको तो माइनस बन जाएगा, अभी हो गया माइनस क्रॉस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स भी लगा हुआ इसको वैसे लिख दीजिए माइनस एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अंडर रूट टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस एक्स बाई दिस इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर इंटू साइन फोर, फोर एक्स स्क्वायर इंटू साइन फोर प्लस टू एक्स कॉस फोर, बस ये आप कैंसिल है तो भी आप इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व करना है। अगर हमारा ये दिए होते कि टू टू ग्रेड कुछ करिए उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, टू ग्रेड से कुछ है नहीं कि कुछ आगे, बस हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन हो गया है। तो स्टूडेंट्स यही है कंपोजिट रूल, कंपोजिट रूल में फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, तो जो जिसका फंक्शन उसको तब तक करते जाते हैं जब तक कि वो फंक्शन ऑर्डिनरी फंक्शन में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो इस प्रोसेस को आप देखिए, प्रयास करिए घर पे, चूंकि आप हमारे सामने है नहीं कि थोड़ी आपकी प्रॉब्लम तो उसको हम डिस्क्राइब कर दें, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपकी पूरी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ बता नहीं पा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, तो और डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखिए, अगर कोई पर्सनल किसी का प्रॉब्लम है मेरे पर्सनली जो है व्हाट्सएप नंबर पर अपना कुछ कमेंट दे सकता है, कुछ कर सकते हैं तो हम करिए, और बाकी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।